हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम बना रहे हैं बहुत ही मस्त राइस पनीर एंड वेजिटेबल्स बोल। तो आइए शुरू करते हैं इसको बनाना। 1 टेबल स्पून ऑयल लिया हमने, इसमें हम डालेंगे 1 स्मॉल अनियन, थोड़े से बेबी कॉर्न्स, बेल पेपर्स लिए हैं, और इसमें हम डालेंगे थोड़े से बीन्स और सॉल्ट। आप चाहें अपनी पसंद की कोई भी वेजिटेबल्स डाल सकते हैं। यहाँ पर हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए सॉटे करेंगे। ज़्यादा कुक मत करेगा, हमें वेजिटेबल्स में क्रंच चाहिए। 2 से 3 मिनट के बाद हम इसको निकाल लेंगे। यहाँ पे हम पैन में दोबारा से 1 टेबल स्पून ऑयल लेंगे। यहाँ पे मैंने गार्लिक लिया है 1 होल, उसे फाइनली चॉप कर लिया है। हम इसको अच्छे से भून लेंगे ब्राउन होने तक। यहाँ पे मैंने 1 मीडियम अनियन लिया है फाइनली चॉप हुआ हुआ। यहाँ पे अनियन स्लाइटली ब्राउन हो चुका है। अब हम यहाँ पे कैरेट और कैबेज लेंगे। कैबेज मैंने 1 कप लिया है और जो कैरेट है मैंने 1/4 कप लिया है फाइनली चॉप हुआ हुआ। सॉल्ट डाल देंगे थोड़ा सा। हमें कैरेट्स को और कैबेज को अच्छे से कुक करना है। देखिए यहाँ पे मेरे को 5 मिनट हो चुके हैं। मैंने यहाँ पे 2 ग्लासेस ऑफ वाटर लिया है। अब मैं इसमें 1 टीस्पून विनेगर डाल दूंगी। ग्रीन चिली सॉस डालिए 1/2 टेबल स्पून, सोया सॉस 1/2 टेबल स्पून और रेड चिली सॉस 1 टीस्पून, टोमेटो सॉस डालिए 1/2 टेबल स्पून, हनी डाला है 1 टीस्पून और यहाँ पे ब्लैक पेपर पाउडर डाला है थोड़ा सा, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो सॉसेज और चिली का क्वांटिटी अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं, हनी का भी। इसे हम कुक होने देंगे। सारे हम इसमें वेजिटेबल्स जो हमने सॉटे किए थे वो ऐड कर देंगे। अब इसको हम कवर करके 5 से 7 मिनट के लिए कुक होने देंगे। यहाँ पे इतने हम एक पैन में 2 टेबल स्पून बटर लेंगे। मैंने इसमें 1 होल गार्लिक लिया है फाइनली चॉप हुआ हुआ। हम गार्लिक को अच्छे से ब्राउन होने तक कुक करेंगे। देखिए हमारा गार्लिक धीरे धीरे ब्राउन होना शुरू हो चुका है। मैं इसमें 3 कप्स ऑफ बॉइल्ड राइस लूंगी। ये राइस मैंने बॉइल और ठंडे करके यूज किए हैं। थोड़ा सा नमक और इसको आपको सॉटे कर लेना है। मैंने थोड़े से धनिया के स्टेम्स लिए हैं, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर और फ्रेशनेस आती है। राइस बनके रेडी हो चुके हैं हमारे। अब आइए चलते हैं हमारी ग्रेवी की साइड। देखिए इसमें अच्छे से बॉईल आ चुका है। इसे मैंने ऑलमोस्ट 6 से 7 मिनट कुक किया है। अब मैं इसमें 1 टेबल स्पून शेजवान सॉस डालूंगी। आप चाहें तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसे ज़्यादा भी कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं कॉर्नफ्लावर मिक्स में मैंने 1 टीस्पून कॉर्नफ्लावर लिया था और पानी, उसका स्लरी बना के मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब मैं इसे 2 से 3 मिनट के लिए कुक करूँगी। मैंने यहाँ पे थोड़े से स्प्रिंग अनियंस डाले हैं। देखिए हमारे यहाँ पे ग्रेवी बनके रेडी हो रही है। वो थिक हो रही है कॉर्नफ्लावर की वजह से। ये रेडी है। अब आइए हम पनीर की तरफ चलते हैं। यहाँ पे मैंने 1/2 कप मैदा लिया है, इसमें मैंने थोड़ा सा सॉल्ट डाला है, थोड़ा सा मैंने इसमें चिली फ्लेक्स ऐड किया है। यहाँ पे वाटर से हम एक थिक स्लरी बना लेंगे। हमें बहुत ज़्यादा थिन नहीं बनानी है, एक फ्लोइंग थिक स्लरी रेडी करनी है। देखिए यहाँ पे हमने पनीर लिया है, मैंने पनीर को स्क्वायर पीसेस में कट कर लिया है। अब इस पनीर को हम स्लरी में डिप करेंगे।
और उसके बाद हम इसको ब्रेड क्रम्स में कोट करेंगे। इससे बहुत ही अच्छा क्रंच आएगा आपके पनीर में। अब हम इसको गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। अब हम इसको गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे दोनों साइड से। ये देखिए पनीर हमारा दोनों साइड से एकदम गोल्डन क्रिस्पी फ्राई हो चुका है। यहाँ पे मैंने एक बोल में राइस अपने ले लिए हैं और यहाँ पे हमने जो वेजिटेबल्स बनाई थी शेजवान वाली वो ऐड करेंगे, शेजवान ग्रेवी। यहाँ पे पनीर को मैंने स्ट्राइप्स में कट कर लिया है। वेजिटेबल्स, पनीर, राइस, अ परफेक्ट बोल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।